आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बटर कुकीज की रेसिपी। बिल्कुल जो मुंह में घुल जाती है ना, बिल्कुल वैसी बटर कुकीज हम घर पर बनाएंगे और बिल्कुल आसान तरीके से बिना किसी अंडे का यूज किए हुए हम इसे बनाएंगे। और इस बटर कुकीज को हम दो तरीके से बनाएंगे, यानी कि हम इसे ओवन में भी बनाएंगे और बिना ओवन के हम इसे कढ़ाई में भी बनाएंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो भी आप इसे घर पर बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखिए और ये बहुत टेस्टी बटर कुकीज आप बनाकर तैयार करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे आधा कप बटर। तो बटर आप यहाँ पर सॉल्टेड या फिर अनसॉल्टेड बटर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। आज मैं यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज कर रही हूँ। अगर आप अनसॉल्टेड बटर ले रहे हैं तो आप उसमें एक चुटकी नमक जरूर से डाल दें। अब ये बटर जो है हमारा बिल्कुल इस तरीके का सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल हमें मेल्ट करके नहीं लेना है बटर, और साथ ही हमें एकदम फ्रिज से निकला हुआ ठंडा ठंडा बटर यूज नहीं करना है। तो आप एक दो घंटा बटर को पहले फ्रिज से बाहर निकाल के रख दें और इस तरीके का सॉफ्ट बटर का आप यूज करें। आधा कप ये बटर लिया है, ग्राम्स में देखिए तो ये 120 ग्राम हमने यहाँ पे ये बटर लिया है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बीटर ले लेंगे और बटर को हमें बिल्कुल 2 मिनट के लिए अच्छे से बीट करना है। इसे हम क्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे जो हमारा बटर है वो बिल्कुल लाइट और एकदम फ्लफी हो जाएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप यहाँ पर हैंड विस्क का यूज करके भी इस बटर को अच्छे से बीट कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ कुकीज और बिस्किट्स की रेसिपी शेयर की है, उसमें हमने हैंड विस्क का यूज करके ही ये क्रीमिंग प्रोसेस किया है, तो आप वो भी वीडियो हमारी देख सकते हैं। अच्छे से हम इसे 2 मिनट के लिए इस तरीके से बीट करेंगे तो आप देखेंगे जो हमारा बटर है काफी क्रीमी हो गया है और एकदम आप इसका देख सकते हैं कलर भी पहले से लाइट हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें पाउडर चीनी डालेंगे। तो नॉर्मल चीनी ली थी जिसे मिक्सी जार में मैंने अच्छे से चलाकर पीस लिया है। तो ये हमने डाली है 1/3 कप। ग्राम्स में हम देखें तो ये लगभग 50 ग्राम हमने यहाँ पर पाउडर चीनी ली है। अच्छे से हम क्या करेंगे, पहले पाउडर चीनी और बटर को कुछ इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर का यूज करके अच्छे से इसे लगभग 2-3 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये जो हमारा क्रीमिंग प्रोसेस है ये बहुत ही जरूरी होता है करना। इसी से जो आपके बिस्किट्स या फिर कुकीज आप जो भी बनाते हैं वो एकदम लाइट बनते हैं और एकदम बढ़िया टेस्ट आता है उसमें से। तो हमारा ये क्रीमिंग प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से हो गया है। आप देख सकते हैं काफी क्रीमी और एकदम ये फ्लफी सा हमारा मिक्सचर यहाँ पर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे वनीला एसेंस की। वनीला एसेंस डालने से जो आपके कुकीज है उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगेन यहाँ पर ये वनीला एसेंस डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें एसेंस यूज कर सकते हैं। तो कुछ ही बूंदे मैंने इसमें वनीला एसेंस की डाल दी है। अब हम इसे अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा बीट कर लेंगे कुछ सेकेंड्स के लिए, ताकि जो वनीला एसेंस हमने इसमें डाला है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे बीट कर लिया है और बिल्कुल बढ़िया से इसमें एसेंस हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे मैदा। तो मैदे को हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप मैंने मैदा लिया है यहाँ पर। ग्राम्स में देखें तो 125 ग्राम हमने मैदे का यूज़ किया है। और मैदे को आप अच्छे से पहले छान लें और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर इसे अच्छे से पहले मिक्स करें। पूरा मैदा आप एक ही टाइम पे ना डालें। तो यहाँ पर ये मैंने बाकी का बचा हुआ मैदा भी इसमें डाल दिया है। इसी के साथ हम इसमें 1 चम्मच यहाँ पे डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से आपकी जो कुकीज है वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, उसका जो टेक्सचर आता है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो आप जरूर से इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर जरूर डालें। अच्छे से सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो गई है और बिल्कुल सॉफ्ट सा हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके का हमारा मिक्सचर होना चाहिए, कुछ इस तरीके का ही हमारा ये मिक्सचर होना चाहिए कुकीज़ बनाने के लिए। अब यहाँ पर हम इसमें लगभग 20 से 30 सेकंड्स के लिए इलेक्ट्रिक बीटर चला लेंगे। इससे अगर आप देखें तो हमारा जो मिक्सचर है थोड़ा इस तरीके का क्रम्बली हो जाएगा पहले, और फिर हम क्या करेंगे इसे हम स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इससे हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है और ये मिक्सचर हमारा काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट है। बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर हमें कुकीज़ बनाने के लिए चाहिए। बाई चांस आपका मिक्सचर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक बीटर चला लें इसमें थोड़ी देर के लिए, तो आपका मिक्सचर वापस से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इस तरीके का मिक्सचर चाहिए हमें कुकीज़ बनाने के लिए। और दूध वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें अपने मिक्सचर को सॉफ्ट करने के लिए। इस तरीके से आप इसे अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर कुछ सेकेंड्स के लिए चला लें और आपका मिक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है कुकीज़ बनाने के लिए।
अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक नोजल। तो मैंने ये ओपन स्टार्ट पर जो नोजल होती है, ये 1 mm की जो नोजल है मैंने वो ली है। आप यहाँ पे कोई भी स्टार नोजल का यूज कर सकते हैं। तो इस नोजल को हम यहाँ पर डालेंगे पाइपिंग बैग में। आज हम इस थोड़ी सी डिजाइन वाली ये कुकीज बना रहे हैं, हम इसे फ्लावर शेप में कुकीज बनाएंगे, इसके लिए हम ये नोजल का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो हमने तैयार किया वो सॉफ्ट सा हमारा कुकीज का मिक्सचर है, इसे हम इसमें पाइपिंग बैग में भर देंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले ओवन में बेक करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे बेकिंग ट्रे ले ली है और इसके ऊपर लगा लिया है मैंने एक बटर पेपर, और इस तरीके से इस पे हम थोड़ा सा प्रेशर देते हुए पाइपिंग बैग के ऊपर, और इस तरीके से हम यहाँ पर फ्लावर शेप में कुकीज को तैयार करेंगे। आप चाहें तो इस तरीके से कुकीज को बनाएं, या फिर आप चाहें तो स्टार शेप में, छोटे छोटे स्टार शेप में भी कुकीज को बना सकते हैं। इस तरीके से जो हम कुकीज बनाते हैं वो दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगती है, साथ ही बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। और ये इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी कुकीज को अच्छे से बनाकर तैयार कर लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट करेंगे, उसके बाद ही हम इस कुकीज को बेक करेंगे। अगर आपको इस तरीके से कुकीज नहीं बनानी है तो मैंने आपके साथ जीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर की है, साथ ही मैंने आपके साथ कराची कुकीज की भी रेसिपी शेयर की, उसमें जिस तरीके से हमने लॉग बनाया था और फिर हमने उसे सेट होने के बाद कट करके कुकीज बनाई थी, आप वैसे भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे फ्रिज में रख लगभग 15 मिनट के लिए। और यहाँ पर जो हम कढ़ाई में बेक करने वाले हैं उसके लिए भी मैंने यहाँ पर एक प्लेट में कुकीज को बना लिया है, इसे भी हम लगभग 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में थोड़ा सा सेट होने देंगे, उसके बाद हम इसे बेक करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें ओवन में कुकीज बेक करनी है उसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है, 20 मिनट के लिए टोटल मैंने इसे फ्रिज में सेट किया है। तो चलिए अब हम इसे ओवन में बेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ओवन को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पर ही हम यहाँ पर कुकीज को लगभग 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 180 डिग्री पर आपको 15 मिनट्स के लिए कुकीज को बेक करना है, और बढ़िया सी कुकीज हमारी यहाँ पर बेक हो जाती है। ध्यान रखें OTG ओवन जो भी आप यूज करें उसे पहले अच्छे से प्रीहीट करें, प्रीहीट होने के बाद आप इसे 180 डिग्री पर ही आपको इसे 15 मिनट के लिए बेक करना है। और यहाँ पर अब चलिए हम जो गैस पर बनाने वाले हैं यानी कि कढ़ाई में, तो कढ़ाई को भी यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। इसमें नॉर्मल सा मैंने नमक डाल दिया है जो कि हम हमेशा बेकिंग में यूज करते हैं, और एक रिंग डाल दी है। कढ़ाई को भी हाई फ्लेम पर मैंने 5 मिनट के लिए अच्छे से प्रीहीट कर दिया है। और अब हम इसमें ये ट्रे रख देंगे जिसमें हमने कुकीज को सेट किया है, और अच्छे से मैंने इसे भी 15-20 मिनट के लिए पहले फ्रिज में कुकीज को सेट कर लिया है। और अब हम इसे कवर कर देंगे, और यहाँ पर हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर 20-22 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देंगे। तो 20-22 मिनट में गैस पर भी हमारी कुकीज बेक हो जाएगी, और यहाँ पर ये ओवन वाली कुकीज हमारी बिल्कुल अच्छे से बेक हो गई है। इसे 15 मिनट के लिए मैंने बेक किया है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी कुकीज बेक हो गई हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया सा इनके कलर भी आया है, और अगर आपको थोड़ा सा इससे डार्क कलर चाहिए कुकीज का तो आप 3-4 मिनट के लिए आप इसे ओवन में और बेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने गैस पर कुकीज को बेक करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से बेक हो गई है, और टोटल मुझे इसे बेक करने में 25 मिनट लगे हैं। कुकीज हमारी बिल्कुल अच्छे से अब ठंडी हो गई है, तो मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये हमने ओवन में बेक की थी, आप इसका नीचे से टेक्सचर देख सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे से बेक हुई है। इसमें थोड़ा सा अगर आप कलर देखें तो वो थोड़ा सा लाइट कलर में मैंने इसे बेक किया है। मैं आपको इसे तोड़ के दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मुंह में जाते ही ये कुकीज आपके घुल जाएगी, इतनी ज्यादा टेस्टी बनती है ये। इस तरीके से बिल्कुल टेक्सचर देख सकते हैं आप इस कुकीज का, और इसका जो कलर है, अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर कुकीज का पसंद है तो आप इसे 2-3 मिनट के लिए अगर और बेक करते हैं तो ये कुकीज आपकी थोड़ी सी डार्क कलर की बनेगी। सेम यहाँ पे जो हमने कढ़ाई में कुकीज को बेक किया था वो भी बहुत अच्छे से बेक हुई, और इसका आप कलर देख सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा बेक किया है, इस पे थोड़ा सा डार्क कलर आया है। ये कुकीज भी आप देखिए तो नीचे से बिल्कुल अच्छे से बेक हुई हैं। आप चाहें तो थोड़ी सी डार्क कलर में कुकीज को बेक करें, या फिर थोड़ा सा लाइट कलर में जैसे हमने ओवन में बेक किए आप वैसे भी बेक कर सकते हैं। बिना ओवन के भी हमारी जो कुकीज हैं वो बहुत ज्यादा टेस्टी बनती हैं, और आप देख सकते हैं बिल्कुल ये भी मुंह में घुल जाने वाली कुकीज हमारी बनकर तैयार है। इनका टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से जैसे चाहिए वैसे कुकीज को बनाकर जरूर से आप इसे इंजॉय कीजिए, आपको ये बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और ये बटर कुकीज सच में घर पे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने इस वीडियो में शेयर की, तो ज़रूर से आप पूरा वीडियो को देखिए और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह की और भी अगर आप रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।